वेलकम बैक दोस्तों. हमने बनाया है बहुत ही मजेदार सा टमेटो एंड पेयर सैलड, ग्रिल टमेटोज एंड पेयर सैलड है. और यानी कि नाशपाती को हमने ग्रिल किया है और टमाटर को भी हमने ग्रिल किया है. अब इसके लिए हमने एक ड्रेसिंग बनाई है जो कि बहुत लजीज है. इसका नाम है बॉल्सैमिक ड्रेसिंग और ये हमने बनाई है. बॉल्सैमिक विनेगर है इसमें और इसमें चिली पेस्ट है, इसमें ऑलिव ऑयल है, इसमें पार्सली है और क्या है इसके अंदर, बस ऐसी मजेदार सी चीजें हैं. और ये बहुत अच्छी ड्रेसिंग है. थोड़ा सा रिड्यूस किया था हमने बॉल्सामिक विनेगर को, तो उससे जो है ना इसका मजा और भी ज्यादा अच्छा हो गया. तो ये आप जरूर बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी. चटपटी डिश है क्योंकि इसमें हमने चिली पेस्ट का इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो ये रेडी हो गई. लास्ट में इसमें हम ये जो हमने वॉलनट्स या अखरोट जो है इनको हमने टोस्ट किया था, ये आप इसके अंदर ऐड कर दें और ये लजीज सी मजेदार सी डिश हो गई रेडी. बहुत हेल्दी सैलड है, फ्रूट्स के साथ है और विटामिन है इसमें, फाइबर है इसके अंदर जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है. ओके, क्योंकि अब हम एक और खाना खाने वाले हैं इसके साथ जो कि बहुत फैटनिंग है और उसका नाम है पिज्जा. मगर हम क्या करें, हमें पसंद जो इतना है पिज्जा. तो ये पिज्जा भी रेडी हो गया, बहुत ही लजीज पिज्जा है और बारबेक्यू सॉस के साथ हमने बनाया है. चिकन का खीमा और सॉसेजेस को यूज किया है और ऑनेस्टली दिस इज रियली रियली टेस्टी. लेकिन वही बात है कि आप सलाद ज्यादा खाइएगा, ये जरा कम खाइएगा क्योंकि इसमें चीज भी है. मैंने कोशिश की है कि आज मैं चीज की क्वांटिटी जो है ना वो कम रखूं, मगर वही होता है कम करते करते भी ना काफी हो जाती है. तो क्या करें, अगर पिज्जा में चीज ना हो तो फिर वो पिज्जा ही कैसा है ना. तो बहरहाल बनाइएगा आप जरूर, आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा और आई होप कि रेसिपी भी आपको समझ आ गई होगी. बहुत सारे लोग मुझे अभी तक शिकायत करते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं, मगर बहुत सारे लोग अब शिकायत करते हैं कि शायद वो पिज्जा का डो समझ नहीं आया, ये कर दें वो कर दें. तो मैं क्या कर दूं, बस अब आप लोग गौर से देखना शुरू कर दें. और ये थोड़े से खीरे हैं, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, आपको जो भी चीजें पसंद हैं या जो भी अवेलेबल है वो आप डाल के इसको गार्निश कर लें और ये जबरदस्त सा पिज्जा रेडी हो जाएगा. इसको सलाद के साथ खाएंगे, अच्छा सा ड्रिंक बना लें और ये खूबसूरत डिशेस आपकी टेबल की जीनत बनेगी. और मैं तो खूबसूरत हूं नहीं, इसलिए मैं इस शो को करके चली जाऊंगी. फिर ये खूबसूरत खाना होगा और आप होंगे. ओके, ऑल सेट. आई होप कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा. मुझे तो बहुत मजा आया इसको करके और जरा डिफरेंट सी चीजें मैंने बनाई हैं. कोशिश की कि डिफरेंट कुछ आपको हमेशा दूं और पिज्जा की बेशुमार आइडियाज हैं. वही बात है कि क्रिएटिविटी की बात है कि आप कितने क्रिएटिव हैं. आप अपनी तरह से, मतलब अपने इस तरह से आइडिया लेके आप अपने हिसाब से कुछ भी चीजें यूज कर सकते हैं. घर में जो भी लेफ्ट ओवर रखे उनसे टॉपिंग्स बना सकते हैं. बस टोमेटो सॉस और चीज चाहिए होगा आपको. ओके, आज हमें रम सलीम ने बहुत ही प्यारी सी एक चीज भेजी. कुछ लिखा है कि ये दिस इज स्पेशली फॉर शाय. उसके साथ रहते रहते हमें चाहत सी हो गई, उससे बात करते करते हमें आदत सी हो गई. एक पल भी ना मिले तो न जाने बेचैनी सी रहती है, दोस्ती निभाते निभाते हमें मोहब्बत सी हो गई. तो दिस इज रियली ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच. हीरा सिद्दीक ने लिखा है कि मेरी मामा कहती है कि आप जो है ना बड़ी जबरदस्त हैं, आपका स्टाइल देव आनंद जैसा है, देव आनंद जैसा है, जो इंडिया के बड़े मशहूर एक्टर गुजरे हैं. तो मैं सोची थी कि कहां देव आनंद और कहां मैं. एनीवेज, आशिबा आदिल ने लिखा है कनाडा से कि लव यू एंड योर रेसिपीज और मैं 12 साल की हूं, तो वेरी गुड. अमरीन आसिम ने लिखा है कि मक्का में अनारदाना मेरे पास बहुत जमा हो गया है, आप मुझे बताएं कि मैं उसको कैसे, नहीं अनार जमा हो गए हैं तो अनारदाना कैसे बनाऊं. तो मैं कल आपको बताऊंगी शो पे कि अनारदाना कैसे बना सकते हैं. अवन में बनाएंगे हल्की हीट पे, उसको सुबह से लेकर रात तक हल्की हीट पे 50 डिग्री पे छोड़ देंगे, वो खुश्क होता रहेगा और अनारदाना तैयार हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा. रैप अप करते हैं, आई विल सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस. अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.